हाँ जी, तो क्या हाल है सभी के। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को जानना है। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया और सुमित और रोहित क्यों नहीं आ रहे। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उनकी बुराई करूँ या फिर मैं अपनी अच्छाई करूँ या फिर मैं अपनी बुराई करूँ। मतलब जो पॉइंट है मैं वो बताने वाला हूँ तुम्हें, और तुम जज करना कि ये सही था या गलत था, है ना। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये चैनल मेरा है या फिर मैं ये बोलूँ कि रोहित का चैनल है या फिर सुमित का चैनल है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप लोग बताओगे, आप लोग डिसाइड करोगे कि मैंने ठीक किया या फिर गलत किया। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्यों। सबसे पहला पॉइंट है, ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए आर्टिकल्स निकलते थे मेरे, अमर उजाला में निकला था, और मैं पॉइंट रख रहा हूँ उनका भी कि क्या हुआ था। मेरे आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि मेरे आर्टिकल्स निकले, क्योंकि काफ़ी यार 8-9 साल से मैंने स्ट्रगल किया अपनी फील्ड में रहा मैं, और ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे और मेरा सीखने आते थे मेरे यहाँ। तो क्या हुआ, आर्टिकल्स निकले तो ये लोग ना बीच में से जेलस हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि इनका नाम ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ये ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, ये लोग ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। मैंने कभी अपने मुँह से अपना नाम नहीं लिया होगा कि नहीं मेरे को तुम लोग प्यार दो, नवनीत नवनीत नवनीत, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया होगा। जितना ये परफॉर्म कर रहे थे उतना मैं परफॉर्म कर रहा था। बात हुई इधर, मैंने कैमरे की बात बोली थी इन लोगों से कि ऐसा करते हैं अपन कैमरा चेंज करते हैं, क्योंकि यूज़ रेट भी बहुत कम हो रही है, मैं इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है अपने चैनल के लिए। तो उन्होंने की तो फिर मैंने बोला था कि मैं अभी पैसे ले लेता हूँ अपने घर से, कैमरा हम चेंज करते हैं, तुम 1 साल में 2 साल में जब भी तुम्हारे पैसे हो जाएं तुम्हारे पास में, धीरे धीरे करके देते रहना, क्योंकि सब बराबर इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब पैसा कमा रहे हैं, अभी अर्निंग कर रहे हैं, सब बराबर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, फिर इन्होंने बोला कि अरे पैसे का को दें, तुम इन्वेस्ट की करवाते रहते हो, कैमरा सही है हमारा, ये सही है वो सही है। मैंने बोला कि जो हमारी रोजी रोटी है, जिससे हम कमा रहे हैं, जिससे तुम इतना सब कुछ खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम, उस चीज़ से प्यार नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये पॉइंट था हमारा। तो तब तक हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर बोले कि तुम्हारे आर्टिकल्स में तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यार मैंने बताया, अभी मैं आपको एक साइड में वो निकाल रहा हूँ, मैं एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट पे देखो आ रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मैंने ना जब मेरा आर्टिकल निकला था, मैंने तुरंत मैंने मैसेज किया कि मैंने बात कर ली आर्टिकल वाले से, तुम अपने बारे में निकलवा लेना। मैटेरियल पर्टिकुलरली मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने तुमने 8 साल स्ट्रगल किया है, इतना मैं बताऊंगा कि क्या किया मैंने, कि तुम्हारे ऊपर हम बायोग्राफी निकालना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में निकाला, फिर मैंने उनसे बात की, इन दोनों के बारे में भी निकाल दे रहा बायोग्राफी, मैंने इन्हें मैसेज भी किया था, और मैंने इनके पास, मैं भी स्क्रीनशॉट बगल में है आ रहा होगा। तो क्या हुआ उसके बाद ना, ये इनका जेलस बन, फिर इसकी बढ़ास निकल गई पूरी कि तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम्हारे सब जानते हैं, हमें कुछ नहीं है। यार इसका इलाज, जेलस का कोई इलाज नहीं होता, कोई भी इलाज नहीं होता। और मैं बता दूं, फिर उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत मतलब मतभेद हुआ, फिर मैंने कि चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसने पासवर्ड कर दिया चेंज, तो इतने पासवर्ड चेंज कर दिया पूरे चैनल का, लॉग आउट हो गया, मैं वॉशरूम गया था तो लॉग आउट हो गए सारी तरफ से अकाउंट। फिर बात आई कि चैनल मैं चलाऊंगा, रोहित ने बोला कि चैनल मैं चलाऊंगा, तो फिर मैंने ठीक है तू चला ले चैनल। बहुत सारी झगड़ा हुआ, मैं भी रोया था, मेरी फैमिली भी रो रही थी, क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैंने चैनल के लिए क्या किया और इन्होंने क्या किया चैनल के लिए, फिर आप डिसाइड करना कि क्या हुआ एग्जैक्ट। तो पासवर्ड पूरा चेंज कर दिया, वो बोला कि अब मैं चलाऊंगा चैनल। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अब तुम चला लो। मेरा एक पॉइंट ये था कि अब तीनों में से कोई नहीं चलाएगा चैनल, और तुम लड़ रहे हो तो सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और मैंने चैनल क्यों लिया, मैं तुम्हें भी ये बताऊंगा। चैनल उसने ले लिया, फिर बोला मेहनत की है 3 साल, और मेहनत क्या की है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने मेहनत की है चैनल पर 3 साल में, तो मैं चलाऊंगा मत चलो, तुम कोई नहीं चलाएगा। पासवर्ड चेंज कर दिया उसने। फिर क्या हुआ, पासवर्ड का बाद में ऐसा आया कि तब वो दबरा था ना, तो उसने बताया पासवर्ड तो मैंने इसलिए चेंज किया था ना, क्योंकि कोई हैक ना कर ले, मैं कि अभी क्यों पासवर्ड चेंज हो रहा है, पासवर्ड चेंज हो सब जगह लॉग आउट एक ऑप्शन आता है कि तुम और डिवाइसों में से लॉग आउट करना चाह रहे हो, जैसे मेरी डिवाइस में खुला हुआ है कि लॉग आउट मतलब इस डिवाइस से लॉग आउट करना चाह रहे हो, सब जगह से लॉग आउट क्यों किया अगर तुम चेंज कर रहे हो, तो लॉग आउट क्यों किया हमारी डिवाइसों में से। और सबसे पहली बात, फिर हम आते हैं कि मैंने बोल दिया कि चलो तू ले ले अब, है ना, अपना चैनल काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो बहुत लोगों का प्यार है, और मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा है कि लोग मेरे को प्यार करेंगे, और आप लोगों पे भरोसा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, भले 1-2 साल और स्ट्रगल थे, मैंने 8-10 स्ट्रगल किया है, मैंने 1-2 साल और कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, मेरे पापा को यार दुख होता है, फैमिली वाले को दुख होता है, पापा गए थे मेरे रोहित के घर पर, तो पापा के साथ उसने कर दी बदतमीजी, अपने कान ठीक करा लो कानों में, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला, पापा वहाँ से आए रो के। तो मेरे को उन्होंने पहले तो बताया नहीं कि क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बताया दूसरे भैया ने एक ने, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मेरे को गुस्सा आई, फिर मेरे को लगा कि ये गलत है, मेरे को कि भाई फैमिली से बड़ा कोई नहीं होता, और गुरु हुए हमारी फैमिली हुई, अगर हम फैमिली की इज्जत नहीं करेंगे ना तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। और मेरे को पता था कि कमेंट इतने आ रहे थे, मैं नेगेटिव बन रहा था, तो भाई मैं अभी अपने आपको ना नेगेटिव बोलूँगा ना पॉजिटिव बोलूँगा, वो आप लोग बताओगे। और बात आती है
अब ये चैनल के बारे में। तो फिर मैंने बोला कि अब जिद मेरी है कि अब मैं चैनल मैं चलाऊंगा, क्योंकि बात आती है फैमिली तक की। क्योंकि वो चैनल फिर पता है क्या हुआ कि एक भैया ने कॉल किया तो फिर बोले कि ये बताओ कि चैनल पे बात आती खर्चा किसने किया है चैनल पर, जो 18 महीने तक कोई एडसेंस ओपन नहीं था, कि ये बताओ खर्चा किसने किया था। वो बोले खर्चा किसी ने भी किया, वो खर्चा किया था मैंने, और मैं बताऊंगा खर्चे के लिए मैंने क्या क्या काम किया 18 महीने तक एडसेंस ओपन। तो उन्होंने बोला कि खर्चे किसने किए 18 महीने, तो उसका जवाब था कि ये बताओ खर्चे से हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, चैनल मेरी ईमेल आईडी से बनाया तो मेरा चैनल है। तो ये रोहित के वो था, और बोला 7-8 साल से एक्टिंग कर रहे थे, इनका क्या हुआ, मेरे वजह से जब हम आए ना तब ये फेमस हुए हैं, तो इनका ये था। और 18 महीने तक उन्होंने बोला पैसे किसने खर्च किए, तो ये बोला कि हमें क्या पता थी चैनल इतना फेमस हो जाएगा, अगर चैनल फेमस हो जाता तो हम इन्वेस्ट करते। मतलब इसका साफ ये है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैंने इन्वेस्ट कैसे किया मैं आपको ही बताऊंगा कि इन्वेस्ट ये बंदा कर रहा है, अगर सक्सेस होता है तो हम तीनों का चैनल है, अगर सक्सेस नहीं होता तेल लगाओ इन्हीं का है चैनल, तुम झेलो। 18 महीने बहुत बड़ी बात होती है, आदमी ना एक महीने नहीं झेल पाता, अपने आप को एक महीने मेंटेन नहीं कर पाता। अब मैं बताता हूँ कि मेरा क्या स्ट्रगल रहा है। तब ये चैनल एक्टिंग क्लास लेने आते थे, तब सब कुछ ब्रेक हो गया था, मेरे पास कैमरा था, मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी शादियों में और इवेंट्स वगैरह में, मेरे को 200-300 रुपये पर डे मिलते थे मेरे को। मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ भाई 20 रुपये का फोटो, 20 रुपये पर फोटो लेता था मैं कि मैं फोटोग्राफी करनी है, और ये लोग अपने स्कूल जा रहे हैं मस्त, कोई चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे फोटो शूट के लिए, एक बार ये हुआ था कि फोटो शूट के लिए मैंने बोला इवेंट वालों से कि फोटो शूट के लिए पर्चे बांटने हैं, एक स्कूल है तो उसके पर्चे बांटने हैं, 200 रुपये तुम्हें पर डे मिलेंगे। मैं रेडी हो गया तुरंत, मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को कैरियर मेरे दाव पे था भाई, मेरे को प्यार था उस चीज़ से। तो मैंने कह दी चलो मैं कर लूँगा, मैं गली गली अपनी गली तक में मैंने पर्चे बांटे, एक वैन जाती थी तो मैंने पर्चे ही बांटे उसके, तो मैं पर्चे बांट रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एक मैं 200 रुपये अगर ना आदमी को 200 रुपये ना मैं अगर मैं आपको दे दूँ 200 रुपये किसी बंदे को, तो उस चीज़ की अहमियत नहीं जानेगा, उससे अहमियत जानूँ कि अगर वो 200 रुपये ना अगर वो इतनी मेहनत करके ला रहा है पर्चे बांट के, उसे अपनी वीडियोज़ में लगा रहा है 200 रुपये, अगर वो वीडियो में लगा रहा है ना तो उसकी क्या हालत होती होगी। पर मेरी कोई हालत बुरी नहीं होती थी, मेरे को खुशी होती थी मैं वीडियो में लगा रहा हूँ। बात तब आती है ना कि तुम बोल रहे हो हम पार्टनर्स हैं तो पैसे तुम इन्वेस्ट बराबर क्यों नहीं किया तुमने। मैं पता है डेली जा रहा हूँ मेहनत कर, 18 महीने बहुत होते हैं यार, 1.5 साल होती है, 1.5 साल में आदमी इतनी मेहनत नहीं करता आदमी की। और एक इवेंट में मैं गया था तो मेरे पास पैसे लिमिटेड थे कि मेरे को इन्वेस्ट कर, मतलब बचाना है, वीडियोज़ में लगाना है, बचाना है, मैंने अपनी ज़रूरतें कम कर दी थी सारी। और एक इवेंट में गया था, मेरे पास बेल्ट नहीं थी, तो मैंने 20-25 रुपये की समथिंग की रामबाग हमारे साथ, वहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है, और वहाँ से बेल्ट ली। फिर क्या हुआ, इवेंट में हो गई वो टूट गई, तो मैंने पता सुतली होती है, सुतली बांध के मैंने फोटोग्राफी की मैंने, और शादियों में तार उठाने के मिल रहा, तार उठा रहा हूँ, पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ यार, तब क्यों नहीं आए तुम लोग, सब लोग ये लोग क्यों नहीं आए उस टाइम, कि तब तुम बोलते कि ऐसे हम पार्टनर हम तीनों मेहनत करेंगे, या फिर तुम मेहनत मत करो मेरे को पैसे ला के देते ना, कि तुम मेहनत क्यों कर रहे हो अकेले, हम भी तो तुम्हारे साथ में है ना पार्टनर, हम भी तो अर्न करेंगे फ्यूचर में। उन्हें क्या था कि चैनल का कुछ नहीं होना, इनका जाएगा और इनका कटेगा, कटने दो, चैनल का कुछ नहीं हो रहा। तो स्ट्रगल चलता रहा मेरा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। एक फॉरनर थी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छे से, नॉर्मल आती है मेरे को, और एक फॉरनर थी, तो मेरे से एक नए इवेंट वाले ने बोला देखो कि एक फॉरनर है, तुम्हें जाना है, तुम्हें 300 रुपये मिलेंगे, तुम्हें गाइड करना है, इसका इवेंट है। तो मैं कि मैं कर दूंगा, इंग्लिश आती है मेरे को इंग्लिश, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं आती मेरे को इंग्लिश, तो मैंने बिल्कुल तुरंत हाँ बोल दी कि हाँ मेरे को इंग्लिश आती है। तो फिर मैं ले गया, तब उसने फॉरनर ने मेरे को 500 रुपये दिए, और मैंने कैसे मैंने फॉरनर से बोल दिया, एक दो वर्ड मैंने जान लिए थे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तब मेरे को बिल्कुल कमज़ोर थी, अब थोड़ी बहुत आती है मेरे को, तब बिल्कुल कमज़ोर थी मेरी इंग्लिश। तो फिर मैंने उसे गाइड किया, मेरे को मतलब जो भी मिल रहा था यार मैं कर रहा था, मैं जो मिल रहा है मेरे को, पर्चे बांटना हुआ चाहे शादियों में, सब कुछ मैं जो मिल रहा था ना मैं कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या करना है। और भैया का फ़ोन आया था ना, एक भैया ने फ़ोन किया था, तो बोला था कि जो बताओ पैसे का मैटर था कि तुम पैसे तुमने क्यों इन्वेस्ट किया, हमें पता ही नहीं था चैनल इतना सक्सेस हो जाएगा, चैनल सक्सेस होता था, मैं मतलब वही बात आ गई ना। और फिर उन्होंने बोला कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, कि बोला कि स्ट्रगल क्या होता है 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, क्या कर लिया। और उन्होंने कि यूट्यूब पर कोई, उनके ये था कहना कि यूट्यूब पर कोई एक्टिंग नहीं चलती, यूट्यूब पर एक्टिंग नहीं चलती, चूतियाबंदी चल रही है, एक्टिंग ड्रामा करो व्यूज ले आओ, मतलब कि लोग मेरे को शायद ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो शायद मैं चूतियाबंदी ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर वो ये मानते हैं कि एक्टिंग का कुछ भी वो नहीं है यूट्यूब पर स्कोप, कि एक्टिंग कोई करता नहीं है, सारे चूतियाबंदी करके अपने व्यूज लेके आते हैं। और Uh,
अब बात आती है कि बीच में ना मैंने सामान मंगाया था, मतलब आई मैक, तो मैंने बोला था इनसे कि मैं दीजिए से उधार ले रहा हूँ, 170,000 का आ रहा था, मैं कि मैं दीजिए से उधार लेता हूँ पैसे, कुछ पैसे मेरे पास हैं, कि इनके पास पैसे नहीं थे, और तो मैंने बोला कि, और बराबर मैं ऐसा करता था, जितनी अर्निंग आती थी ना हमें बराबर बढ़ती थी, और बात आई कि आई मैक की, तो आई मैक की मैंने इनसे बोला कि ऐसा करते हैं हम आई मैक ले लेते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैंने कि मैं पैसे दे दे रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास हो ना तुम धीरे धीरे करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला मेरे से कि ऐसा करो भैया, मैं 30,000 रुपये उधार दे दो, मैं जिम करनी है कमला नगर में, जो महंगी जिम है ना। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं इतना कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, उधार लेके पैसे मांग रहा हूँ, तुम इतना तो कर लो कि तुम जिम जो पहले कर रहे थे वहीं कर लो, तुम क्यों इतना हाई फाई जिम ज्वाइन कर रहे हो, मैं इतना कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ चैनल के लिए, तुम कंप्रोमाइज़ ये नहीं कर सकते कि या तुम जिम कर रहे हो वो, कि ऐसा करो तो आई मैक मत लो, आई एयर ले लो, जो हमारे पास पहले से है, येरा लैपटॉप जो हमारे पास पहले से है, मतलब वही ले लूँ जो काम नहीं कर रहा, पर जिम ज़्यादा ज़रूरी है यार, शूट के लिए 1-1, 2-2 बजे आ रहे हैं, मैं 9 बजे पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, बोल रहे हैं कि अभी डाइट बना रहा हूँ, अभी डाइट खा रहा हूँ, या फिर डाइट डाइट डाइट, यार जिम इतना जिम मैं कह रहा हूँ जिम करो यार, सारी चीज़ें करो, पर पहला प्रायोरिटी हमारा काम है, हम जिस जो हमारी रोजी रोटी है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं 2-3 घंटे की नींद लेते हैं वो लोग, इतना मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं वो लोग, मेरे को पता है कि मैं विलन बनाऊं क्योंकि चैनल मेरे नाम से हो गया, मैंने सिर्फ अपनी जिद से किया इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली से बढ़ के कोई नहीं है, मैंने चैनल भी छोड़ दिया था, मैंने सारी चीज़ें कर दी थी मैंने, अब क्या बोलूं मैं, अब ये बताओ कि 18 महीने तक ये लोग कहाँ थे, तब मैं स्ट्रगल कर रहा था यार, बताने में तो छोटा सा लाइन लगता है, और 10-11 मिनट की ये वीडियो, 12 मिनट की वीडियो है, पर 18 महीने कोई बंदा करके बैठा हो और चैनल पर सारी चीज़ें जा रही हो, फिर बोल रहे मैंने मेहनत की, तो उन्होंने बोला कि मैंने तब बोला था कि मैंने स्ट्रगल किया है, कि तुमने अपने लिए किया है, हमारे लिए अपने गज पढ़ रही थी तुमने 18 महीने, तुमने अपने लिए किया है, हमारे लिए थोड़ी ना किया, वो लोग पढ़ने जाते थे, सब कुछ हो रहा है, तब पैसे की बारी आई तो हम बराबर बट रहा है, और चैनल पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता, रिव्यू रेट कम हो रही है, महीने में 1-2 वीडियो डल रही हैं, अब वीडियो पर इतना फोकस है कि स्क्रिप्ट मेरी ऑलरेडी 3-4 लिखी हुई है, मैं इतना, भाई यार ये बताओ कि काम के प्रेशर पर कौन घूमने जाता है। मैंने 14,000 सब्सक्राइबर के लिए वो स्क्रिप्ट रेडी की थी जो मैंने अभी डाली थी, कि मेरे को पता थी कि रोहित चलाएगा चैनल को, मैंने तुरंत रेडी की, मैं कि तुरंत काम करना है मेरे को वो नहीं करना यार, घूमने नहीं जाता कोई, अगर काम की चिंता होती है ना तो घूमने कोई नहीं जाता, लोग घूम रहे हैं कोई घूमने नहीं जाता, मैंने 14,000 के लिए स्क्रिप्ट दिया कि मेरे को तुरंत करना है, मेरे को अपना कमबैक तुरंत करना है, ये सिर्फ बदतमीजी और इतना ज़्यादा पता नहीं कितना ओवर बोले, सिर्फ उसके लिए मैंने अपना चैनल ये लिया है, और आप बताओ कि ये चैनल किसका है, आप खुद बताओ, अगर 18 महीने ये लोग मेरा साथ देते ना तो मैं चैनल को बंद कर देता, मेरा खून पसीना लगा है, मेरी इज्जत लगी है, मैं नेशनल अवार्ड विन करने के बावजूद मैं ये काम कर रहा था, और प्लस अगर मैं आर्टिकल का भूखा होता ना, ये मेरी फाइल्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं मेरे, और मेरे आर्टिकल्स देखो न्यूज़पेपर में, ये देखो, ये पूरी पूरी मेरी फाइल भरी हुई है आर्टिकल से, मैं आर्टिकल्स का भूखा हूँ, ये देखो पूरी न्यूज़पेपर मेरा पूरे मेरे आर्टिकल से भरी हुई है पूरी, ये मेरी 8-10 साल की मेहनत है, और मेरे पास अवार्ड्स वगैरह भी हैं, मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब वो चूतिया बनती थी एक तरीके की, कि तुमने स्ट्रगल किया अपने लिए किया ये सारी चीज़ें, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, और बस मैं ना ही मैं उन्हें गलत ठहरा रहा ना मैं अपने आप को गलत ठहरा रहा, जो मेरे वो थे और उनका था कि बस ये नवनीत फेमस हो रहा है सिर्फ, हम कोई फेमस नहीं हो रहे, इनके आर्टिकल निकल रहे हैं यार, वो काम बोलता है, दुनिया को काम पसंद आता है, मैं ही तुम काम पे फोकस करो, एक्टिंग पे फोकस करो, कहीं कुछ फोकस नहीं करना, अपने दूसरे कामों में फोकस हो रहे थे तो चैनल क्या होगा, बर्बाद नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं नहीं बोलूँगा कि क्या सही था क्या गलत था, मैं ठीक था या फिर मैं गलत था, क्योंकि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता, चाहे वो चोर मैं हूँ या फिर कोई और हो चोर, तो आप लोग बताना कि मैं क्या करता, और थैंक यू।